गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हम भी एकदम सही है। और अभी 6:30 हो गए हैं और पायल ने चाय बना दी थी तो अभी चाय पीते थे। इसी चाय के साथ हमारा एक न्यू ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है और ये अभी सोए हुए हैं, देख सकते हैं। बस अभी इनको उठा देते हैं और फिर करते हैं शुरुआत। इनके पल का टाइम भी होने वाला है, कर लेते हैं, रेडी हो जाते हैं, स्कूल का टाइम हो जाता है। सुनो जाने उठा उठा, हाँ डॉक्टर ने चाय पी लिया। उठा। A few moments later. फ्रेंड तो हम रेडी हो चुके हैं, हम भी शॉप के लिए रेडी हो चुके हैं और अभी बस निकलने वाले थे। सुबह सुबह टाइम नहीं होता तो हाँ जी शॉप नहीं आ सकते, थोड़ा काम में नाला कर जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा कॉलेज का काम है वो करवाना है। तो पायल तो चले गई है, सुबह सुबह टाइम नहीं होता तो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी टाइम लग ही नहीं पाता सुबह सुबह नहीं पाता। छोटी सी गलती और बस बंदा उठा दो, बहुत ज्यादा गलतियां होती है स्टार्टिंग में। ये हमारी लूना है और हम अब चलते हैं। गुड इवनिंग फ्रेंड, तो हम सुबह नालागढ़ गए थे, नालागढ़ से आ गए थे तो अभी हम पर फ्री बैठे थे तो सोचा कि आपसे बात कर लें। और आप हमारी वीडियो को बहुत कम देखते हो, लाइक नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते। हम कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो बहुत अच्छी बने। और ये पायल बैठी हुई है, अपना टैब लेके बैठी हुई है पढ़ने के लिए। आज हमारे पर एक गेस्ट आया था, उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, हमारे बारे में बात करेंगे। स्पेशल गेस्ट थे वो, उनका नाम क्या था? विकास अत्री, अत्री जी। उसके बारे में हम खुल के डिटेल में बात करेंगे कि वो कौन है और कहाँ से थे। तो कुछ टाइम उनसे बात किया तो उसके बाद फिर शॉप पे अभी कस्टमर कम थे तो हम सोचा आपसे बात कर लें। बाकी आज देखो बिल्लू जी क्या बनाती हैं खाने में, क्या बनाओगे पायल? क्या खाने? डोसा। लो बात ही खत्म हो गई, डोसा बस। डोसा तो आज हम जाएंगे डोसा। पायल कहाँ जा रही? साउथ इंडियन आनंद भवन बड्डी। पायल को डोसा बहुत पसंद है, पायल का भी एक चैनल है, उसमें उसने वो डाला भी हुआ है अपना, वो गए थे वहाँ पे, पहले भी गए थे। इसको डोसा वैसे हम जाते रहते हैं, हफ्ते में एक या दो बार तो डोसा खाने जाते ही हैं। काफी अच्छा डोसा बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं आनंद भवन में। तो वहाँ पे हम फर्स्ट टाइम अपने सर जीएम सर उनके साथ गए थे, उसके बाद हम अक्सर वहाँ पे जाते हैं डोसा खाने के लिए। बहुत टेस्टी डोसा होता है वहाँ पे, इसलिए डोसा मतलब सारा साउथ इंडियन। तो वहाँ के जो वर्कर हैं वो जो बनाते हैं डोसा वो भी साउथ इंडियन के, इसलिए उनको मतलब काफ़ी अच्छा बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं डोसा, इसलिए हम जाते रहते हैं। और आज भी वहाँ पे जाएंगे, आपको दिखाएंगे। हाँ आपको दिखाएंगे डोसा कैसा, मतलब कैसे उनको डोसा कितना मतलब बहुत अच्छा होता है, स्टफिंग वगैरह चटनी वगैरह बहुत बहुत सब कुछ अच्छा होता है इनका। तो अभी हम आपको मिलेंगे डोसा खाने जब जाएंगे मार्केट में, जब वहाँ पे शॉप हो ही गया। आज तो बज ही गए हैं, तो अभी सर्दी है तो टाइम थोड़ा हो जाता है जल्दी। यहाँ पे मार्केट में 8 बजे हम जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिलवाएंगे, मतलब दिखाएंगे आपको कहाँ पे वो शॉप है, मतलब अच्छा रेस्टोरेंट है, बढ़िया वहाँ पे है, वो आपको दिखाएंगे। तो आज हम डोसा खाएंगे, घर पे खाना नहीं बनाएंगे।
तो मिलते हैं दोस्ते पे जाके मिलेंगे। पायल कैसा लग रहा है? अच्छा, डोसा खाने के लिए चलो चलते हैं। अभी हम जा रहे हैं डोसा खाने। अभी हमने शॉप क्लोज कर दी है, आप देख सकते हैं पूरी तैयारी हो चुकी है डोसा खाने के लिए जाने। चलो चलो आप भी चलो, ठंड बहुत है। 9 बज गए हैं, 15 मिनट में पहुंच जाएंगे, फिर डोसा खाएंगे, फिर 15 मिनट में वापस आ जाएंगे, फिर आधे घंटे में डोसा खाएंगे, मतलब 10 बजे तक वापस आ जाएंगे। A few moments later. तो हम पहुंच चुके हैं आनंद भवन। तू भी भाग रही है? भाग रही है, मैं पॉकेट में डालने जाने मैं भाग रही हूं यार, हर मत कौन है जल्दी कर दे, चलो ले। ठंड बहुत है यहाँ पे, तो हेलमेट तो खोलना ही पड़ेगा ना, तभी खाएंगे। तो अभी हम हैंड वॉश करेंगे, हैंड वॉश करके मिलते हैं। डोसा नहीं कहता, खाली मसाले और उसके साथ ही साथ खाली मसाला डोसा नहीं, उसको हम चटनी या और सांभर भी खाएंगे। यहाँ पे हम आते हैं डेली, बहुत अच्छा डोसा है। और अगर जब भी हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे पूरा खाली होता है, और जब भी हम यहाँ पे प्रवेश करते हैं तो यहाँ पे 1 by 1 ज़्यादा बंदे आना स्टार्ट हो जाते हैं। भीड़ हो जाएगी, बैठने के लिए जगह भी नहीं होगी। अभी इनका डोसा आ गया है। So tasty. बहुत टेस्टी है। हम अभी वेटिंग के हैं, मेरा डोसा भी आएगा। आज जीसस को डोसा खाना है, मेरा भी आ गया। अभी आपसे मिलते हैं डोसा खाने के बाद। तुमने डोसा खा लिया? अभी हमने डोसा खा लिया, अब हम घर जा रहे हैं। बहुत रात हो गई, बहुत ठंड है। 10 बज गया बस, और ठंड भी बहुत है। ये देखो मेरी पुड़िया चले।